टैक्सी केस स्टडीज में एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी बड़ी मज़ेदार है, सुन के आप तो बहुत मज़ा आएगा। और कंपनी भी कोई छोटी मोटी थोड़ी है, मैकडोवेल का केस लेके आया हूँ भाई। आपको पता है सेक्शन 72A बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग सेट ऑफ, जो चैप्टर आप बोलो है ये सबके सिलेबस में, सेट ऑफ बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। और यदि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में हो तब तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही काम करता है भाई। एक डूबती हुई कंपनी ही जनरली अमालगमेशन का हाथ पकड़ती है कि भाई हमारी कंपनी डूब रही थी तो भाई हमने अमालगमेट कर लिया बड़ी कंपनी के साथ। जैसे भूषण स्टील डूब रही थी, टाटा स्टील का उन्होंने हाथ थाम लिया। तो जनरली यही होता है कि ये डूबती हुई कंपनी एक बड़ी कंपनी के साथ अमालगमेट होके सस्ते में बिक जाती है। इस केस में क्या हुआ, पहले मैं आपको केस स्टडी का नाम बताता हूँ। केस स्टडी का नाम है मैकडोवेल एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस CIT। तो इस केस में क्या हुआ, कंपनी डूब रही थी और कंपनी को फाइनली मैकडोवेल ने परचेज कर लिया। ये जो कंपनी डूब रही थी, इस कंपनी का बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था, बहुत करोड़ों में लोन लिया हुआ था, बैंक फाइनेंस था, लेकिन लास्ट में कंपनी कुछ पे नहीं कर पा रही थी और इधर कंपनी अमालगमेट हो गई। बैंक के साथ सेटलमेंट का मुद्दा चल रहा था, जब भी NPA हो जाता है तो बैंक बेचारा सेटलमेंट पे आ जाता है, तो बैंक के साथ सेटलमेंट की बातें चल रही थी। उधर बैंक के साथ जब सेटलमेंट की बात चल रही थी तो बैंक ने करोड़ों का इंटरेस्ट वेव कर दिया। आप यदि बैंक ऑडिट पे गए हो तो आपको पता है NPA पे भी इंटरेस्ट लगाते रहते हैं लेकिन उसको इनकम नहीं मानते, लेकिन क्लाइंट की फाइल में ऐड करते रहते हैं। तो इंटरेस्ट लगे जा रहा था, वो इंटरेस्ट सारा बैंक ने वेव कर दिया। SSC का इतना इंटरेस्ट वेव होने के कारण, आपको एक सेक्शन पता है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1, यदि कोई एक्सपेंडिचर आपने पहले क्लेम कर लिया वो एक्सपेंडिचर बाद में वेव हो जाए, माफ़ हो जाए, रिफंड आ जाए, छूट हो जाए, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी अंडर सेक्शन 41(1). सिंस वो पुरानी कंपनी तो अब अमालगमेट हो चुकी है, तो इसलिए वो डीम्ड इनकम 41(1) की इनकम कौन सी, अरे जो इंटरेस्ट वेव हुआ वो ओल्ड कंपनी के हाथ में इनकम नहीं मान के अब अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में इनकम मान ली थी। और ओल्ड कंपनी का जितना भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो लॉसेस पहले इस डीम्ड इनकम के साथ सेटअप हुआ और फाइनली SEC के हाथ में सेट ऑफ लॉसेस कम अलाउड हुआ। मैकडोवेल एंड कंपनी जो कि अमालगमेटेड कंपनी है, उसने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हमने डूबती हुई कंपनी को लिया है, हमने डूबती हुई कंपनी को लिया उसका लॉसेस देख के, उतना सारा लॉसेस इसमें था, वो लॉसेस हमें फर्दर 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड मिलता है अंडर सेक्शन 72A, परंतु आप तो हमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दे रहे हो, सेट ऑफ करने नहीं दे रहे हो, ये तो गलत है। तो डिपार्टमेंट ने बोला भाई उसका इतना सारा इंटरेस्ट वेव हुआ है, वो इंटरेस्ट आपके हाथ में डीम्ड इनकम माना जाएगा सेक्शन 41(1) में, तो पहले तो उस इनकम के साथ वो लॉस सेट ऑफ होगा। डिपार्टमेंट ने बोला वो तो प्रोसीजर, मैकडोवेल कंपनी SEC ने क्लेम किया वो तो प्रोसीजर है, अरे भाई वो तो NPA था तो सेटलमेंट होना ही है। परंतु भैया चीज तो प्रोसीजर से जाएगी ना, डिपार्टमेंट यहाँ पे कहीं पे भी रॉन्ग नहीं है। अल्टीमेटली यदि अमालगमेटिंग कंपनी का पुराना इंटरेस्ट बैंक वेव करती है तो हर हाल में 41(1) अराइज होता है और वो इनकम मानी जानी चाहिए। अमालगमेटिंग कंपनी इज नो मोर, दैट हैज़ बीन अमालगमेटेड विथ, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अमालगमेटेड, तो डेफिनेटली अब न्यू कंपनी के हाथ में वो इनकम मानी जाएगी और जितना भी ओल्ड कंपनी का लॉसेज है पहले उसके साथ सेट ऑफ होगा, उसके बाद बचे हुए लॉसेज आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। यही डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में 2017 में, डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41(1) ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द लॉसेज टू बी सेट ऑफ अंडर सेक्शन 72A बाई द अमालगमेटेड कंपनी।
आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, जो कि ये 41.1 से था, जो कि पीजीबीपी का चैप्टर है. दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड दिस इज रिलेटेड टू सेट ऑफ. तो ये सब से रिलेटेड ये केस स्टडी था, इसलिए हमारे से लेसन्स में आया. थैंक यू.